असल स्टूडेंट्स आफ नाइन्थ क्लास दिस इज योर बायोलॉजी लेक्चर नंबर थर्टी वन स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्टर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स अबाउट द एन्म्स टूडेस द इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स इसमें हम देखेंगे कि वट आर द इन्जाइम्स इंजाइम्स की कम्पोजिशन क्या होती है और इन्जाइम्स आपकी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं दीज की पॉइंट्स वी विल डिस्कस टूडे वट आर इन्जाइम्स वट इज मेटाबोलिज्म वट इज कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी एंड वट आर द इंजाइम कैटेगरीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंजाइम्स को डिस्कस करते हैं बच्चे इंजाइम की तरफ आ जाते हैं हम आपको जैसे कि पता है ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस हो रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है बट वट कंट्रोल दीज रिएशन तो आपकी बॉडी में उन रिएक्शन को कंट्रोल कौन करवाता है तो बच्चे 1833 में एक फ्रेंच केमिस्ट था उसने ये डिस्कवर किया कि ऐसी वाइटल फोर्सेस होती हैं जो इन केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करती हैं और वो हैं इंजाइम्स ठीक है अब इंजाइम्स बच्चे आ, ये हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करवा देती हैं ठीक है उसको फास्ट करवा देती हैं लेट सपोज आपकी बॉडी में अगर कोई रिएक्शन पाँच मिनट में हो रहा है तो ये इसको टू मिनट्स में जो है वो कम्प्लीट करवा देंगी तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इंजाइम्स को जो है वो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं मुझे जैसे कि बॉडी बिल्डर्स होते हैं ठीक है वो अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं और अगर एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो कि विदाउट सप्लीमेंट्स विदाउट फ्रूट या प्रॉपर फूड जो है वो अपनी बॉडी बिल्डअप कर रहा है तो उसकी बॉडी जो है वो ज्यादा बिल्टअअप नहीं होगी एज कम्पेयर टू द अनदर बॉडी बिल्डर जो कि प्रॉपर सप्लीमेंट्स भी ले रहा है वो प्रॉपर फूड ले रहा है प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह ले रहा है तो उसकी बॉडी जो है वो ज्यादा बिल्टअअप होगी तो इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको इस सप्लीमेंट की जरूरत है अगर इंजाइम्स होंगे तो केमिकल रिएक्शन्स फास्ट होंगे और अगर इंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन्स का जो स्पीड uh, है या जो उसका रेट है वो भी कम हो जाएगा तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आर इन्जाइम्स इंपॉर्टेंट क्या इन्ज़ाइम्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो बच्चे इन्जाइम्स एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं ठीक है और आपको पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं तो इन्ज़ाइम्स एक्चुअली प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी में स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करवाती हैं एंड विदाउट इंजाइम स्लोली टू की लाइफ और अगर इंजाइम नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी बहुत स्लो हो जाएगी जो आपको जिंदा रखने के लिए इनफ नहीं है uh, बच्चे इंजाइम्स जो है बेसिकली आर प्रोटीन दैट कैटेलाइज आर स्पीड ऑफ द बायो केमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन बच्चे ये प्रोटीन्स होती है जो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उन हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटालाइज करते हैं यानी कि स्पीड अप कर देते हैं फास्ट कर देते हैं एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन और रिएक्शन के दौरान वो खुद चेंज नहीं होते ठीक है यहां पर हमें ये एक बात क्लियर करना होगी इंजाइम्स आर एंड चेंज आर यूज अप इन द रिएक्शन इंजाइम रिएक्शन के दौरान ना तो चेंज होते हैं ना यूज होते हैं ठीक है जस्ट ये कैटालाइज करती है रिएक्शन को सो दे कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन तो ये जो है वो बार बार यूज होते जाते हैं ठीक है ना क्योंकि ये यूज नहीं हो रहे ठीक है तो इस तरह से हम इसमें फर्दर हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्जाइम्स कैसे जो है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं किस तरह से वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं ठीक है और वो कैसे ओवर तो एंड ओवर अगेन यूज होते रहते हैं बार बार कैसे यूज होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन पे वो यूज क्यों नहीं होते तो बच्चे यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शन हो रहे हैं और उनमें से जो मेन रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेटाबोलिज्म है ठीक है अब मेटाबोलिज्म हम देखते हैं कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है इसको डिस्कवर किसने किया था और इसकी डेफिनेशन क्या है और ये इसकी एग्जांपल्स क्या है ठीक है मेटाबोलिज्म किस किन चीजों में रोल प्ले कर रहा है बच्चे मेटाबोलिज्म एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ठीक है जिसका मतलब होता है हमारे पास चेंज ठीक है अब इसको डिस्कवर किसने किया था मेटाबोलिज्म इज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय द इब्ने नफीस इब्ने नफीस ने जो है वो हमें मेटाबोलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था ठीक है जिसमें उन्होंने बताया कि बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडर गोइंग चेंज कि हमारी बॉडी और ओ, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो ऑलवेज अंडर गोइंग चेंज उनमें चेंजेस आती रहती हैं ठीक है थीके? अब हम फर्दर मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं दस सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ बच्चे आपकी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सबको मेटाबोलिज्म कहते हैं ठीक है और ये हमारी बॉडी में क्यों जरूरी होते हैं ताकि हमारी जो है वो लाइफ सस्टेन रह सके हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शंस ओके Uh, अब यहां पे हम देखते हैं फर्दर कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं ये अपना रोल किस किस में प्ले कर जो है वो रोल प्ले करती है बच्चे ये हमारी ग्रोथ में रिप्रोडक्शन uh, में स्ट्रक्चर uh, को मेंटेन करने में या इन्वायरमेंट में डिफरेंट जो चेंजेस आती हैं उनके uh, जो हम कह सकते हैं अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए मेटाबोलिज्म रोल प्ले करती है अब फर्दर हम देखते हैं कि मेटाबोलिज्म की बच्चे टू कैटेगरीज हैं एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म तो हमने अभी कहा कि आपकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सबके सब मेटाबोलिज्म सब है अब फर्दर इसकी टू कैटेगरीज हैं एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म बच्चे एनाबोलिज्म जो है ये एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें लार्जर मालिक्यूल सिंथिस होते हैं फ्रॉम द स्मॉलर वंस ये स्मॉलर मालिक्यूल्स हैं ये आपस में ज्वाइन करेंगे और एक लार्जर मालिक्यूल बनाएंगे ठीक है और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी यूटिलाइज होती है जब छोटे मालिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाना है तो एनर्जी जो है वो यूज होगी वो यूटिलाइज होगी एंड द नेक्स्ट वन इज द कैटाबोलिज्म बच्चे इट इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन लार्जर मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस इसमें बड़ा मालिक्यूल टूटेगा और छोटे मालिक्यूल्स बनाएगा और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है ठीक है तो ये मेटाबोलिज्म की टू कैटेगरीज हैं इसमें ये एक दूसरे को अनर्जी ट्रांसफर करते हैं जो अनर्जी कैटाबोलिज्म से रिलीज होगी वो दोबारा से जाकर यूज हो जाएगी एनाबोलिज्म में नेक्स्ट बच्चे ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है ये लाहौर बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन आया था कि वट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कटाबोलिज्म तो आपको पता कि जैसे हम डिफरेंस लिखते हैं सेंटर में लाइन लगा के हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे हम ये डिफरेंस लिखेंगे कि इसमें एनर्जी यूज होती है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है इसके अलावा आप इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि एनाबोलिज्म में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है बच्चे फोटोसिंथेसिस की और कैटाबोलिज्म में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है रेस्पायरेशन की यांग्लाइकोलोसिस की नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट से पहले बच्चे हम डिस्कस कर लेंगे कि मेटाबोलिज्म के, के दौरान केमिकल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम वन वन फॉर्म टू द अनदर बाय द इंजाइम्स इन्जाइम्स एक्चुअली बहुत क्रूशियल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू द मेटाबोलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज अ बायो कैटालिस्ट बच्चे इंजाइम्स uh, जो हैं वो मेटाबोलिज्म के लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बायो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं Uh, क्योंकि बायो बायोकेटलिस के तौर तो पर करते हैं और ये स्पीड अप कर देते हैं या रेगुलेट कर देते हैं मेटाबोलिक पाथ फेज को ठीक है ये आपकी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं यानी कि जो रिएक्शन फाइव मिनट में होना होता है वो टू मिनट्स में करवा देते हैं नेक्स्ट इज द इन्जाइम्स प्रोटीन्स हैं हमें पता है इस बात का जो कि माइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं ये आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड है उसको ज़्यादा कर देते हैं और ये खुद उसमें यूज नहीं होते ठीक है अब यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट बच्चे सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं द मालिक्यूल एट विच इंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट ऐसे मालिक्यूल पे इंजाइम एक्ट करता है उनको सबस्ट्रेट कहते हैं ये आपको यहां पे सबस्ट्रेट शो करवाया गया है ठीक है और ये एक इंजाइम है बच्चे जब इन्होंने केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करना होता है तो सबस्ट्रेट जो है वो इंजाइम के साथ अटैच हो जाता है ठीक है और जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये फिर आपकी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं और सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ जो है वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा ठीक है ये अपनी जो कैटा ऐसा रिएक्शन जिसको कैटालाइज कर रहे होते हैं उसके हिसाब से भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं और ये शेप के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं बच्चे ये एक्टिव साइट है ये ऐसी प्लेस है जहां पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना इंजाइम के साथ ओके और यहां पर डिफरेंट चार्जेस होते हैं ठीक है जो इनको होल्ड करके रखेंगे अब यहां पे हम देखते हैं कि जब सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ अटैच हो जाता है उसकी एक्टिव साइड के साथ तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम सबस्ट्रेट इंजाइम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं जब ये आपस में एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद ये फर्दर प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे पास यहां पे डिफरेंस है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में बच्चे सबस्ट्रेट ऐसा मालिक्यूल है जिसपे इंजाइम एक्ट करता है और एंजाइम फर्दर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द डिफरेंट मालिक्यूल जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं तो इस तरह से हमने देखा सबस्ट्रेट कैसे आगे इंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हुआ बाद में उन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो गया और इसने प्रोडक्ट्स बना दिए तो इस तरह से ये एक केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं अब जब हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है तो ये स्पेयर नहीं होगा बच्चे ये स्पेयर नहीं होगा क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ था ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन तो ये ओवर एंड ओवर अगेन बार बार जो है ये होने वाले आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन में ये इंजाइन यूज होता जाएगा नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्टिवेशन एनर्जी अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि किसी भी रिएक्शन को एक्टिव करती है ठीक है uh, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर द एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल uh, रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन थोड़ी सी एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए यानी कि स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है जो चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसकी एग्जाम्पल हम यहां से देख लेते हैं ये एक आपको लेट्सपोज माउंटेन दिखाई गई है इसमें बच्चे आपको दिखाया गया है कि ये एक बॉल है ठीक है अब इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ठीक है तो इसको हम एनर्जी देंगे जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसको हम यहां तक ले जाएंगे ठीक है अब जब आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करके इस पोजीशन तक पहुंचा दिया है तो इसके बाद आपको नो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड अब आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी अब ये खुद ब खुद जो है वो यहां से नीचे की तरफ मूव करती आएगी तो इसी तरह हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी हमें देना पड़ती है ठीक है और उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं जो कि रिएक्शन को एक्टिव करवाती है अब यहां पे है द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू बिगनिंग ऑफ रिएक्शन बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही है यानी कि ये नहीं मिलेगी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो इस बैरियर को कैसे लोअर किया, किया जा सकते हैं कैसे ओवरकम किया जा सकता है इंजाइम्स लोअर द सच बैरियर बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी तो इसमें हमारी हेल्प कौन कर है इंसाइम्स हमारी हेल्प कर रहे हैं ठीक है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो ही रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगा तो इस बैरियर को कम करने के लिए हमारा हमारी हेल्प कौन कर रहा है इन्जाइम्स हमारी हेल्प कर रहे हैं वो कैसे इंजाइम्स हमारी हेल्प कर रहे हैं इन बैरियर्स को लोअर कर देते हैं तो यहाँ पे uh, जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि हाउ इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लोअर करते हैं क्योंकि ये एज अ बैरियर एक्ट कर रही है ये हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करने दे रही जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तो एंजाइम्स इसको कैसे लोअर करते हैं यहाँ पे कुछ हमें डिफरेंट जो है वो वेज बताए गए हैं जिनसे इंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं फर्स्ट वन इज द बाई आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट इंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट की शेप को अगर चेंज कर दें तो एक्टिवेशन एन एनर्जी कम हो सकती है ठीक है बाई डिस्टर्बिंग द चार डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट बच्चे यहां पे हमें पता होगा कि ये जो एक्टिव साइट है इंजाइम की यहां पे मैंने आपको बताया डिफरेंट एटम्स होते हैं ठीक है डिफरेंट मालिक्यूल होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं और उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सबस्टेट को अपने साथ जो है वो एक्टिवली बाइंड करवा लेते हैं तो यहां पे जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो डिफरेंट मैकानिज्म के थ्रू इसके चार्जेस को डिस्टर्ब कर देंगे ठीक है इसके चार्जेस को की हम कह सकते हैं पोजीशन यानी कि उसके चार्जेस को आ, उसकी आ, चार्जेस को चेंज करवा देगी उसकी लोकेशन चेंज करवा देगी इसमें मौजूद चार्जेस को डिस्टर्ब करवा देगी तो एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं बाय डिस्टर्प्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट द थर्ड वन इज बाय ब्रिंगिंग द सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन और अगर हम सबस्ट्रेट को इस करेक्ट लोकेशन या पोजीशन पे ले आए जिसके साथ इसलिए अपने एंजाइम के साथ अटैच होना है तो इसके जरिए भी हम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर सकते हैं तो ये डिफरेंट वेज हैं जिनके जरिए हम एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं तो बच्चे यहां पे हमने डिस्कस किया है कि एंजाइम्स क्या होते हैं ठीक है या आपकी बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए इंजाइम्स का क्या रोल है मेटाबॉलिज्म की फर्दर टू कैटेगरीज हमने देखी हैं उसके बाद हमने सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस देखा है कि कैसे सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ अटैच होता है और फर्दर प्रोडक्ट बनाता है ठीक है और फिर इंजाइम दोबारा से किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और फिर प्रोडक्ट बनाता है फिर हमने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और इंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म हैं डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि यानी वो सबस्ट्रेट की शेप को अगर चेंज कर दे या वो इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करके uh, जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है या वो इसको करेक्ट ओरिएंटेशन या करेक्ट पोजीशन या लोकेशन पे ले आए कि वो अपने सबस्ट्रेट के साथ uh, अपने इंजाइम के साथ अटैच हो जाए तो इस इन तरीक़ों से इंजाम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं